तो आज इस एक चोचले वाली वीडियो में आज हम थोड़ा कुछ इसमें वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में ना हम कुछ थोड़ा धर्म पे चीज़ें बातचीत करेंगे। देखो अभी क्या हुआ, सुबह मैं जब वर्कआउट कर रहा था तो मैंने एक ऐसी जगह पे देखा कि बहुत सारे लोग मतलब जा रहे थे पैदल। तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि ये जा कहाँ पे रहे हैं ये लोग, तो बस जस्ट मैं उनका थोड़ा पीछा करते हुए आया। और मैं पहली बार एक चर्च में आया, चर्च मेरे को काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे आने के बाद। और एक उसके पहले मैं ये सोच रहा था कि मेडिटेशन का मतलब थोड़ा बैठ के शांति से बैठूंगा कहाँ पे, तो जहाँ पे वर्कआउट कर रहा था वहाँ पे इतनी जगह नहीं थी। तो बस लोगों को देखा, फिर जैसे वर्कआउट कंप्लीट किया तो मैं कहा चलो उनके पीछे भी जाते हैं। तो मैं चर्च में आ गया। चर्च में आने के बाद एकदम बढ़िया, पूरी टी शर्ट वगैरह सब भीग गई थी, वहाँ पर बैठा थोड़ी देर, आराम मिला और शांति भी मिली। और चर्च में आने के बाद ना ऐसा लगा कि नहीं यार आना चाहिए, किसी का भी धर्म ना ख़राब नहीं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो या फिर जो भी कुछ धर्म है, सब धर्म में आना चाहिए। तो मैं तो जाऊंगा, ऐसा कोई नहीं है कि हिंदू ख़राब है या फिर मुसलमान ख़राब है या फिर ईसाई ख़राब है, सब अच्छे हैं और सब ख़राब, सब में थोड़ी बहुत कुछ अच्छे भी है कुछ बुरे भी हैं। तो चर्च आने के बाद ना मुझे अच्छा हुआ, अच्छा लगा, थोड़ा रियलाइज हुआ कि नहीं यार आना चाहिए, जाना चाहिए। शांति, वही सब चीज़ें जो उसमें किताब भी रखी हुई थी, तो वही सारी चीज़ें बताया गया जो हमारे अलग किताबों में बताया जाता है, जैसे भगवद गीता हो गई या फिर बाइबल हो गई, कुरान हो गया। मैंने भगवद गीता भी पढ़ा एक बार बस, और ज़्यादा तो नहीं पढ़ा। तो फिर आपको और कुछ चीज़ें ऐसे बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तो ठीक है, फिर अभी पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है और आज कुछ धर्म पे चर्चाएं होंगी और ऐसी क्या अभी जो चीज़ें और दिन भर रुकी होंगी उन चीज़ों को आपको बताऊंगा इस वीडियो में। क्या कर रहे थे इस चीज़ पे कि सभी धर्म अच्छा होता है, सभी धर्मों का मतलब सम्मान करना चाहिए, सभी धर्म अच्छे होते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो या फिर ईसाई क्रिश्चियन, जो भी कुछ है सभी धर्म आसान होते हैं। और जब जितनी देर मैं उसमें मतलब चर्च में रहा और चर्च के बाहर मैं निकला तो मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और पाखंड से बचो, बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, उन चीज़ों को इतना फोकस नहीं करने का। तो अपना जो भी कुछ धर्म है सब धर्मों को जानो और पढ़ो, क्रिश्चियनिटी भी पढ़ो, बाइबल भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो और भगवद गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। बट देखो क्या स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है, ये मेरा प्रोस्पेक्ट है ऐसा कि सभी धर्मों एक ही होते हैं। ज़्यादातर लोग क्या है धर्म को जानते नहीं है, पढ़ते नहीं है और उसके बाद कोई उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है तो उस गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से वो गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जानो और समझो। और जब तक आप रियल प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं करेंगे तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगी। लोग बहुत कुछ आके बोल के चले जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है लोग कभी कभी अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को भड़काते हैं, उठाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप भटक जाओगे और उलझ जाओगे, फिर उलझ जाओगे और भटक जाओगे, तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो बस यही सब सारी चीज़ें थी। तो सुबह से लेके आज ज़्यादातर बस ऐसे ही जीवन था। और देन दूसरी चीज़ क्या था कि हम जहाँ पे थे एक अच्छी जगह पे थी और नेचर, ये इन्वायर्स ने मेरी मदद किया, मतलब मदद किया। और दूसरी चीज़ क्या था कि मुझे नहीं उम्मीद था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा ऐसा। मैं फ़र्स्ट टाइम ही चर्च में गया था और वहाँ का कल्चर और वहाँ का इन्वायरमेंट मुझे थोड़ा अलग अजीब तरीके से लगा, अलग तरीके से लगा। ऐसा मंदिरों में नहीं होता जैसे वहाँ पे होता है, मंदिरों में तो भीड़ भड़ के जाते हैं, लोग घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था कि इतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। चर्च लोग चर्च में लोग कम थे और भीड़ कम थी। और हम एक ऐसी जगह पे अभी खड़े हैं, ये एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बताऊँगा कौन सा रेलवे स्टेशन है, बट हम निकल रहे हैं राजधानी से, राजधानी वापस जा रहे हैं। और 2 दिन पहले मैं आया था यहाँ पे, तो 2 दिन की मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही। थैंक्स फॉर यूनिवर्स एंड एंटायर यूनिवर्स को मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी यात्रा मुझे करने को मिली और सब कुछ यात्रा कुशल मंगल रही। तो देखो 5 मिनट का वीडियो वो बनाने का मकसद अभी पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, बट 365 दिन की अगर आप वेट करते हो तो 365 दिन हो सकता है, बता दूँ किसी कारणवश। अभी देखो सुबह के टाइम में ना मैं 1 मिनट की वीडियो बना के छोड़ दिया था कि फिर मैं बाद में बोला कि बाद में बना लूँगा। लेकिन यार एक चीज़ बताऊँ ना कि प्रोक्रेस्टिनेशन ना लाइफ का ना सबसे घटिया चीज़ है, ऐसे मतलब थर्ड क्वालिटी का चीज़ है ये, मतलब कभी ना हमें आगे नहीं बढ़ने देता। और ये अभी देखो बस 5 मिनट का मुझे टाइम मिला है, 5 से 6 मिनट मेरी ट्रेन छूट जाएगी। और देन दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे फ़ोन में बैटरी भी कम है, तो मन मेरा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था यार चलो छोड़ो यार क्या बनाएगा, 3 ही दिन तो हुआ, लेकिन नहीं यार 3 दिन की शुरुआत हो गई। आज अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो मेरे 3 दिन की जो मेहनत थी वो बेकार चली जाती। तो बस इसी वजह से इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है कि नहीं यार 3 दिन का जो टाइम है ना उस 3 दिन को टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। अभी इसमें देखो हम आपको वीडियो में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहे हैं कुछ खास तरीके से, लेकिन एक चीज़ डिफिनेट ये कन्फर्म है
कि वैल्यू ऐड हो या ना हो वो अलग की मैटर है, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जरूर वैल्यू ऐड हो। क्यों? क्योंकि यार वैल्यू नहीं ऐड होगी तो मेरा वीडियो बनाने का खुद ही मन नहीं करेगा और मेरी वीडियो आप क्यों देखोगे। तो बस इसकी वजह से इसमें वैल्यू ऐड होगी, आई होप, ऐसे मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, जरूर ऐड करूँगा वैल्यू। ऐसी बात नहीं है कि कुछ ना कुछ तो जरूर वैल्यू ऐड होगा इसमें। तो यार लगभग 5 मिनट होने वाले होंगे, 3 मिनट 36 सेकंड का वीडियो बन गया ये, और 1 मिनट पहले की बनी थी, तो लगभग 4-5 मिनट हो गए होंगे। तो बस एक ही चीज़ है कि किसी भी भड़कावे में, किसी के भड़कावे में ना आए, धर्म और शास्त्र अध्यात्म को जाने, छवि धर्म और अध्यात्म का मकसद एक ही होता है कि यार आपकी लाइफ में ना सुख शांति चैन बना रहे, बस यही है। कोई आपसे नहीं कहता कि लड़ाई लड़ो, युद्ध करो, इनको उसमें परिवर्तन कर दो, उसको इसमें परिवर्तन कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। बट सबका धर्म यार अच्छा है, आई लव यू, रिस्पेक्ट इन ऑल सोसाइटी और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबका। थैंक यू सो मच।